दोस्तों, अगर आप अपना खुद का ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं, ऑनलाइन सेलिंग करना चाहते हैं, ऑनलाइन अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं और आपकी इच्छा है कि मैं यार अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू करूं, तो आप अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन किस किस तरह से बेच सकते हो, कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप बेच सकते हो, है ना। अब उसमें ज़रूरी ये है कि ऑनलाइन तो हमें बेचना है, लेकिन भाई हमें वेबसाइट बनवाना है या ऐप बनवाना है, किसी थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू बेचें या हम अपनी खुद की वेबसाइट बनवा लें या हम व्हाट्सअप के थ्रू बेचें या हम कॉल और मैसेज के थ्रू अपने ऑर्डर को डिलीवर करें, किस प्लेटफॉर्म पे आप कैसे काम कर सकते हैं बेहतर तरीके से समझेंगे। बिजनेस मोटिवेशनल स्टार्टअप की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। देखिए, पहला पॉइंट यहाँ पे है जिससे आप ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हो। अगर आप सब्जियाँ बेच रहे हो ऑनलाइन, अगर आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल या ग्रॉसरी बेच रहे हो आप, या डेली नीड्स के प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचना चाह रहे हो, तो कौन से प्लेटफॉर्म हैं? तो देखिए, सबसे इजी और कम खर्चे वाला प्लेटफॉर्म पहले हम बता रहे हैं, वो है एक व्हाट्सएप बिजनेस, जिसमें आपको कुछ भी खर्चा नहीं लगेगा। अपना खुद का एक कैटलॉग बना के आप कस्टमर तक अपने प्रोडक्ट को दिखा सकते हो, कस्टमरों को बता सकते हो कि भाई हम ये ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचते हैं, आप इस दिए नंबर पर व्हाट्सएप करें और आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। जो भी हम प्रोडक्ट बेचते हैं, जो भी हमारी ग्रॉसरी है, ये सब कुछ हम ऑनलाइन बेचते हैं, तो आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। उसके साथ साथ आप व्हाट्सएप बिजनेस में एक अच्छी कैटेगरी बना के रखें, एक अच्छा कैटलॉग बना के रखें पूरा का पूरा, जिसके थ्रू कस्टमर समझ पाए, जान पाए कि हाँ यार यहाँ पे ये चीज़ें मिल रही हैं और हम इसको ऑर्डर कर पाएं। पहला तरीका ये है बिना खर्चे वाला। दूसरा तरीका आते हैं, दूसरा तरीका कौन सा है बिना खर्चे का, वो है कॉल और मैसेजेस। देखिए, कॉल और मैसेज वाला सिस्टम कैसे है, आपको पंपलेट बनवाने पड़ेंगे, कुछ बैनर पंपलेट वगैरह बनवा के आप अपने आसपास के मोहल्ले में, आसपास के एरिए में बंटवा दीजिए कि भाई इस नंबर पे कॉल करो, घर बैठे मंगाओ। ये जो सिस्टम है ये बहुत पुराना हो चुका है, लेकिन अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं अभी, तो बिल्कुल फ़ोन नंबर आप एक बना लीजिए, उस नंबर पे अगर कोई कॉल करता है और कुछ ऑर्डर करता है तो आप होम डिलीवरी करवा दीजिए उसके घर में। दूसरा ये ऑप्शन हो गया, ये ऑप्शन करके भी आप अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हो और उसके घर तक डिलीवर कर सकते हो, जिससे कस्टमर आपके शॉप पे नहीं आएगा, सीधे आप उसके घर पे डिलीवर करें और वहाँ से अपना चीज़ें ऑनलाइन बेचें। तो ये दूसरा तरीका है जो कि काफ़ी पुराना है और ये काफ़ी टाइम से चल रहा है। भैया डोमिनोज पिज़्ज़ा वगैरह में भी कॉल करके अभी तक लोग मंगाते हैं, तो अभी भी ये चीज़ें चल रही हैं। तो ये दूसरा तरीका आप अपना सकते हैं। तीसरे तरीके की बात करते हैं जिसमें आप अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेच सकते हैं, वो है एक वेबसाइट बना के। वेबसाइट बना के कैसे? देखिए, आप एक वेबसाइट बनवाइए, लो प्राइस की वेबसाइट, जैसे हम अपने खुद, हम लोग जैसे वेबसाइट बना के देते हैं 6000 में आपको अच्छी वेबसाइट मिल जाएगी और आप उस वेबसाइट से अपने प्रोडक्ट बेच सकते हो ऑनलाइन। पूरे एक आपको एडमिन पैनल दिया जाएगा, एक डोमेन होस्टिंग सब कुछ दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए, उस वेबसाइट का प्राइस वगैरह आपको मिल जाएगा और वह वेबसाइट आप वैसे ही बनवा सकते हो सिर्फ 6000 रुपये में और आप उससे अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हो, तो व्हाट्सअप कर दीजिएगा। तो ये तरीका बहुत अच्छा है अभी, क्योंकि आप अपनी वेबसाइट बनवाओ एक डोमेन नेम लेके और उस वेबसाइट को लोग ओपन करेंगे, लॉगिन करेंगे और वहाँ से ऑर्डर कर पाएंगे। तो ये भी एक अच्छा तरीका है। अब नेक्स्ट जो तरीका है वो थोड़ा महंगा है, वो है आपका मोबाइल ऐप। मोबाइल ऐप कैसे? मोबाइल ऐप में क्या भैया, मोबाइल ऐप से अगर आप बेचना चाहते हो तो मोबाइल ऐप में थोड़ा खर्चा ज़्यादा आता है, कॉस्टिंग ज़्यादा आती है, है ना। और थोड़ा आपको टेक्निकल नॉलेज अगर है तो चलेगा, अगर नहीं है नॉलेज तो आपको किसी बंदे को बैठाना पड़ेगा आपको उसको मैनेज करने के लिए, यानी कि एडमिन पैनल चलाने के लिए। तो आप मोबाइल ऐप के थ्रू भी अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हो। अब मोबाइल ऐप के खर्चे की बात करें तो बहुत सारी कंपनी हैं जो 8000, 10000, 20000, 25000, 30000, 1 लाख, सब अलग अलग प्राइस में ऐप्स को देती हैं। हमारी कंपनी भी देती है ऐप्स। अगर आपको ऐप बनवाना है तो व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपको डिटेल मिल जाएगी। और अगर आप चाहते हैं किसी और कंपनी से बनवाना तो बिल्कुल आप बनवा के ये तरीका अपना सकते हैं, अपना मोबाइल ऐप प्ले स्टोर में डाल के अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करके और बेच सकते हैं। अब प्रोसेस तो आपको पता होगा, मान लो आपने एक अच्छा बड़ा ग्रॉसरी स्टोर खोला है, अब चाहते हो कि मैं इसको ऑनलाइन बेचूं, तो आप अपना एक ऐप बनवाइए, अपने जो प्रोडक्ट हैं उनको लिस्ट करिए अपने वेबसाइट में। अब कोई कस्टमर आपके आसपास रहता है तो वो आपके ऐप को डाउनलोड करेगा, डाउनलोड करने के बाद उसमें आईडी वगैरह बनाएगा और फिर आपके पास ऑर्डर प्लेस करेगा जब भी उसको कुछ सामान खरीदना होगा, जब भी उसको कुछ प्रोडक्ट खरीदना होगा। तो जैसे ही वो ऑर्डर करेगा तो आपके एडमिन पैनल में उस ऑर्डर की डिटेल आ जाएगी, यानी कि उस कस्टमर ने आपसे क्या क्या मंगाना चाहा है। तो आप उस ऑर्डर को प्रिंट करके उसका एक बिल बनाएं, पूरे सामान की पैकिंग करें और उसके घर तक डिलीवर करें। तो
ये तरीका जो है बहुत ही अच्छा है, महंगा है थोड़ा सा, और इस तरीके को अपना के आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जा सकते हैं। प्ले स्टोर में आपका ऐप आ जाएगा और आप वहां से अपने बिजनेस को बेहतरीन तरीके से मैनेज कर सकते हैं, चल कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं और अपने चीज़ों को ऑनलाइन बेच सकते हैं। ये तरीका है, इसमें पैसे लगेंगे। अब अभी और एक जो अगला तरीका है उसको भी जान लीजिए। आप कई ऐसे मार्केट में ऐप पड़े हैं जिनको बना के, जिनको यूज़ करके आप अपना प्रोडक्ट बेच सकते हो। कई ऐसे थर्ड पार्टी ऐप हैं जिनको यूज़ करके, जिनका प्रयोग करके आप उनमें अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करके फिर लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जैसे कई ऐप पड़े हैं और आप खुद देखिएगा, ऐड वगैरह आपके पास आते रहते हैं, तो उनमें अपनी कैटलॉग लिस्ट बना के और चीज़ों को बेच सकते हैं, है ना। तो ये भी तरीका काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन इसमें क्या होता है, जो ऐप रहता है वो किसी थर्ड पार्टी का रहता है, हो सकता है कुछ दिन बाद वो आपसे पैसे मांगने लगे, पैसों की डिमांड करने लगे। तो इन तरीकों को अपना के आप अपनी चीज़ों को अपने ऐप में, अपने वेबसाइट में लिस्ट करें, चीज़ों को बेचें, अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेचें और आप अपने बिजनेस को ले जाएं, डिजिटली ग्रो करें, डिजिटल तरीके से। आज का जो ज़माना है ऑनलाइन का है और ऑनलाइन लोग मांगना चाहते हैं घर बैठे, तो बिल्कुल आप होम डिलीवरी का बिजनेस शुरू करें। और अगर आपको इन डिटेल वीडियो चाहिए कि बिजनेस को शुरू कैसे किया जाए, तो कमेंट में बता दीजिएगा, आपके लिए हम एक नया वीडियो, फ्रेश वीडियो बनाएंगे पूरी डिटेल के साथ, भले ही वो एक घंटे का वीडियो क्यों ना हो, दो घंटे का क्यों ना हो, और आप उससे बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो हम सोच रहे हैं कि जल्द ही एक बहुत लंबा वीडियो बनाया जाए जिसमें चीज़ों को हम कवर करेंगे, इन पूरी चीज़ों को बहुत अच्छे से कवर करेंगे। काफ़ी लंबा रहेगा लेकिन आप उसमें बहुत कुछ सीख पाएंगे, तो ये एक अच्छा चीज़ रहेगी। मेरे ख्याल से आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और आप चाहते हैं अपनी वेबसाइट बनवाना कम प्राइस में, तो व्हाट्सअप करें। जब भी व्हाट्सअप करें तो हैशटैग फ्री वेबसाइट करके आप एक मैसेज डाल देना, तो हम समझ जाएंगे कि आपको वेबसाइट बनाना है और यहाँ से देख के आएंगे तो उसमें डिस्काउंट भी मिलेगा आपको। तो यहाँ तो वीडियो को करते हैं यहाँ पे एंड और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।